नमस्कार दोस्तों, लेवल वन वाइट कंप्यूटर लेवल वन 500। अब ये आज से मैं आपके लिए ग्रीन पेन सीरीज चालू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ की डेफिनेशन रहेगी सेम ब्लैक पेन के जैसा रहेगा, बट यहाँ पे डिफरेंस ये है जो मैं आपको बताऊँगा, वो ये है कि हाउ टू इम्प्रूव चेस वेन यू हैव नो कोच विथ यू। इसलिए मैंने इसका नाम ग्रीन पेन सीरीज रखा है। मैं यहाँ पर प्ले स्टोर से मैंने एक ऐप डाउनलोड करी है जिसका नाम है मोबिया लिया चेस फ्री। ये फ्री ऐप है जो मैंने डाउनलोड करी है, जिसके साथ मैं आपके सामने पूरा गेम खेल रहा हूँ। अब यहाँ पर ब्लैक पेन सीरीज और ये ग्रीन पेन सीरीज में क्या डिफरेंस है, इसका जो आंसर है वो आपको इस ग्रीन पेन सीरीज के कुछ लेवल्स खेलने के बाद मैं आपको बताऊंगा। उसने खेला है डी क्रॉस ई फाइव। चूँकि ये फर्स्ट लेवल है मोबाइल ऐप का, इस ऐप में टोटल 33 लेवल्स हैं। तो जैसा कि ब्लैक पेन में भी आपने देखा है, स्टार्टिंग के कुछ लेवल यहाँ पर बिगिनर्स की तरह खेलते हैं और हो सकता है वो कुछ पॉइंट्स फ्री में दे जो कि हम कैप्चर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर खेलूँगा NC3। इस ग्रीन पेन सीरीज़ को मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके मुझे फीडबैक्स मिल रहे हैं। उनका ये कहना है कि सर, अगर किसी के पास कोई कोच ना हो सीखने के लिए, कोई भी कोच उनके पास ना हो सिखाने के लिए, कोई व्यक्ति उनके पास ना हो, ऐसे केस में उन प्लेयर्स को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ पे करूँगा डी क्रॉस ई सिक्स पर मैं इन पास करूँगा। ये आपके सामने मैं मोबाइल हैंडल कर रहा हूँ। उसने खेला है A5। तो इन्हीं मेरे सब्सक्राइबर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज आज से चालू करी है और इस पे मैं पूरी चर्चा विस्तार से आपको बाद में बताऊंगा कि ये ग्रीन पेन सीरीज क्या है, इसमें प्लेयर्स को क्या करना चाहिए गेम इम्प्रूवमेंट करने के लिए, और आगे इस सीरीज में आपको मैं कौन कौन से दूसरे सब्जेक्ट्स या टॉपिक कवर करूंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। उसने खेला है KG6। तो सबसे पहले मुझे ये वन पॉन फ्री में मिल रहा है, बट बेटर है कि वो ना लेके यहाँ पर बेसिक पहले फॉलो किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी उसका किंग एक्सपोज है, फर्स्ट लेवल है। उसने खेला है NC6। तो इस सीरीज का नाम इसलिए मैंने ग्रीन पेन सीरीज रखा है। इसमें कई नई चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस सीरीज के साथ साथ जो मेरा मेन आइडिया है वो प्लेयर को अलग अलग प्लेयर्स के साथ गेम प्रैक्टिस करवाने का है, कि जिसकी मदद से प्लेयर अपना गेम भी इम्प्रूव कर सके और वो कुछ नए टॉपिक सीख सके। तो मैं यहाँ पे डी क्रॉस ई फाइव पर उसका नाइट कैप्चर कर सकता हूँ। उसने खेला है क्यू क्रॉस डी वन। जनरली अगर आप ब्लैक हो तो आपको इस तरह से क्वीन एक्सचेंज नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी मटेरियल डाउन हो। जो व्यक्ति पूरा गेम खेलता है और अगर वो 1, 2 या 3 पॉइंट से अगर हार रहा होता है, तो उस प्लेयर को मटेरियल जितना हो सके कम एक्सचेंज करवाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे खेलूँगा नाइट G3 चेक। इसमें लेवल भले 33 है पर इसका प्लेइंग लेवल, इस ऐप का जो प्लेइंग लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। इस ऐप को मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसका बेनिफिट जानता हूँ, और जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि इस
सीरीज का इस ऐप में आपको आगे क्या बेनिफिट मिलेगा, ये मैं जब इस सीरीज के एंड लेवल्स पर पहुंचूंगा तब मैं वो आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। मैं खेलूँगा बिशप E3। सबसे पहले प्लेयर को स्टार्टिंग में सारे पीसेस बाहर निकालना चाहिए, किसी एक साइड कैसलिंग करना चाहिए और उसके बाद फिर वो आगे अटैक्स के लिए सोच सकता है। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RAC1। उसने खेला है RA7। तो अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर बिशप D3। मैं चाहता हूँ कि नाइट हटा के उसको चेक दूँ। तो उसने खेला है B6। अब यहाँ पर नाइट को कहाँ हटाया जाए कि कुछ प्रॉफिट मिले। तो फ़िलहाल तो एक ही स्क्वायर है जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है कि मैं नाइट को D6 पे रखता हूँ और मेरे बिशप से उसको चेक है। यहाँ पे सिंपल प्लान है, सिंप्लीफिकेशन करना है। उसने खेला है बिशप F5। तो मैं अब इस नाइट से कैप्चर करूंगा, क्योंकि अगर मैं दूसरे नाइट या बिशप से कैप्चर करता उससे ज़्यादा मेरे लिए ये नाइट से कैप्चर करना अच्छा है, क्योंकि जो नाइट मैंने वहाँ अटैक पर रखा था उसी को मैं वापस ले रहा हूँ, तो वो मूव ज़्यादा अच्छा था। उसने खेला है बिशप G5। स्टार्टिंग का लेवल है तो आसानी से यहाँ पे जीता जाता है, तो बिशप क्रॉस G5 खेलूँगा मैं। यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूँगा, K क्रॉस G5 खेला है उसने। मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहेगी सेम पॉइंट्स की लड़ाई करना और जितनी जल्दी हो सके क्वीन बनाना। मैं यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस दे रहा हूँ, उसने मारा। तो अब मैं यहाँ पर खेलना चाहूँगा RE1। उसने खेला है RD8। मेरे बिशप पर अटैक है तो मैं खेलता हूँ यहाँ पर बिशप C4। RH8 खेला है उसने, तो अब मैं सिंपली ये ई पॉन को आगे ले जाऊँगा। E6 खेलूँगा मैं। यहाँ पर भी इस सॉफ्टवेयर में या इस मोबाइल ऐप में मैं यहाँ पर ज़िगज़ैग ऑर्डर में ही खेलूँगा, और ये जो मैंने सीरीज़ बनाई है उसमें प्लेयर्स को आगे क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करना चाहिए इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, बिकॉज़ अभी मेरे लिए ये सीरीज स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर Nc6। नाइट फोर्क है, उसके दोनों रुक्स पर अटैक है, तो उसने खेला है RD4। तो मैं फ़िलहाल ऐसा करता हूँ कि इस सेंटर वाले रुक को मैं कैप्चर करता हूँ, वो कॉर्नर वाले रुक को कैप्चर कर फ़ायदा नहीं है। उसने RA6 खेला है, तो मैं खेलता हूँ यहाँ पर RE4 चेक। नाइट के सपोर्ट पे खेल सकते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर यहीं चेकमेट हो जाए तो ठीक है। उसने खेला है KG5। यहाँ मैं ऐसा करता हूँ कि मैं क्वीन जिंदा कर लेता हूँ तो और आसान हो जाएगा। E7 खेलता हूँ मैं।
H5 खेला है उसने, तो मैं खेलूंगा E8 इज इक्वल टू क्वीन। C5 खेला है उसने, तो मैं खेलूंगा यहाँ पर RE5। उसने खेला है KF4, तो मैं खेलना चाहूँगा यहाँ पर RF1 चेक। उसने खेला है KG4, तो मैं खेलूँगा QE6 चेक। उसने खेला है KH4, तो अब मैं यहाँ पर खेल सकता हूँ एक मूव, वो है QH3, और इस मूव से उसकी चेकमेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे मेट हो चुकी है, तो इसका भी हम सेम ब्लैक पेन सीरीज़ की तरह रिकॉर्ड करेंगे। और इस बार हम यहाँ पर ग्रीन पेन सीरीज़ हैं, ये देखिए ये इसका चार्ट है। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा है, बिफोर मेकिंग अ फाइनल मूव। तो इस ग्रीन पेन सीरीज़ में मैं अगले कुछ गेम्स में, हर गेम में एक से दो बार मैं यहाँ पर आपके सामने ये जो सेंटेंस है बिफोर मेकिंग अ वाला, बिफोर मेकिंग अ फाइनल मूव, इसका क्या मीनिंग है, इसको गेम में कैसे अप्लाई करना चाहिए, ये मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो पहले तो मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन से W लिखा है, अब मैं यहाँ पे आज की डेट डालूँगा। अब अगला लेवल जब भी मैं खेलूँगा तो मैं ब्लैक कलर से लेवल इंक्रीज करके खेलूँगा। ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पर चेकमेट हुई थी, तो ये पूरा चार्ट आपको बनाना है। इसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो 2100 है, तो अभी मैंने बाकी के जो बचे हुए लेवल्स हैं उसका अभी वहाँ पे नंबरिंग नहीं करी है, उनके लेवल के मैंने नंबर नहीं लिखे हैं, वो मैं अगली बार लिख दूंगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इस ग्रीन पेन सीरीज़ में मैंने आपके लिए जो लास्ट में एक सरप्राइज़ रखा है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, उसका इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।